हेलो एवरीवन, आइडिया भारत स्किल यूट्यूब चैनल आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आईटीआई का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का फर्स्ट ईयर का पेपर है, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं 2024 में। इससे आपका आकलन हो जाएगा कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। और चैनल पर अगर दोस्तों पहली बार विजिट कर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। और 2024 की एग्ज़ाम ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसका टाइम टेबल पूरा विधिवत तरीके से जारी कर दिया गया। जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी बुक है और जितने भी निम्न पैटर्न भारतीय स्किल पे क्वेश्चन दिए उनको अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिज़ाइन किए गए एम्पलीफायर के प्रदर्शन का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे, कंप्यूटर पर भी इस तरीके मिलेंगे। तो जो भी साथी को अच्छे से याद है, तो क्या होगा, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन परीक्षण का उपयोग करके। तो इसका उपयोग करके क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, जितना हो सके दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को कमेंट जरूर किया करें, आंसर को। क्वेश्चन में दिया है, कौन सा सर्किट फोटो जो होता है डार लिगटन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है डीसी सर्किट में, किया जाता है डीसी सर्किट में, यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया, किस सर्किट को जो होता है सिक्वेंशियल सर्किट भी कहा जाता है। तो आपको इस तरह के चार ऑप्शंस देखने के मिलेंगे कंप्यूटर में, और अगर आपको अच्छे से आंसर याद है ऑप्शन नंबर डी, तो आप उसको जरूर करके क्या होगा, लेंच इसका करेक्ट आंसर है, यानी लेंच सर्किट को सिक्वेंशियल सर्किट भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। यह रहा, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, जब जनरल डायोड रिवर्स बाइज्ड स्थिति में आचरण करना शुरू करता है, तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, यह भर में वोल्टेज जेनर वोल्टेज तक पहुंच गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यह रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन जब भी एग्जाम देने का क्वेश्चन अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, बैंड स्टॉप फिल्टर का दूसरा नाम क्या है। तो आपको सामने चार ऑप्शन मिलेंगे, टाइम डिले सर्किट ऑप्शन बी मिलेगा, फेज शिफ्टर ऑप्शन सी मिलेगा, स्नेबर ऑप्शन डी मिलेगा, यहाँ पर नोच फिल्टर। तो जो भी साथी अच्छे से याद कर रखा होगा ऑप्शन नंबर डी, तो राइट करके आ जाएगा। नोच फिल्टर जो होता है, इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम होता है बैंड स्टॉप फिल्टर का, दूसरा नाम क्या, नोच फिल्टर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। यह रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया, विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या। तो पहला कदम पूछा गया, तो ये ऑप्शन ए मिलेगा, बिजली के संपर्क से व्यक्ति को खींचा जाए, ऑप्शन बी मिलेगा यहाँ पर, संपर्क तोड़ दो ऑप्शन सी मिलेगा यहाँ पर, डॉक्टर को बुलाओ ऑप्शन डी मिलेगा आपका, स्विच ऑफ बिजली की आपूर्ति। तो जो भी साथियों को याद होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कराएगा, यानी स्विच ऑफ बिजली की आपूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, अधिकतम जो परागम में वोल्टेज जिसे कलेक्टर में लागू किया जाता है एक ट्रांजिस्टर के अमीटर जंक्शन को कैसे इंगित किया जाता है। तो कैसे इंगित करेंगे, तो आपको देखिए चार ऑप्शंस इस तरीके से मिलेंगे, जिसको अच्छे से याद है, वी सी ई बराबर होता है मैक्सिमम इन वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद करना कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, 101% यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आपके पास अगर 10 या 12 मिनट का समय है, तो इस वीडियो को जरूर अच्छे से देख कर जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतीक चिन्ह का नाम बताना, जैसे आपको यहाँ चित्र दिया गया इसका नाम बताना कौन सा है। और जितने भी दोस्तों डायग्राम संबंधी क्वेश्चन, आप उनको जरूर पढ़ के जाना। देखिए ऑप्शन ए मिलेगा, UJT मिलेगा, FET मिलेगा, ट्राइक मिलेगा, डाइक मिलेगा, लेकिन आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी क्या, UJT इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यह रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है, मल्टीवेरिएटर के ऑफ टाइम पल्स पर ऑन टाइम पल्स के अनुपात का क्या नाम है। तो उस नाम बताना है, तो देखिए कंट्रोल वोल्टेज होगा, पल्स रिपीटेशन होगा, या थ्रेशोल्ड कंपो
राइटर होगा, तो जो भी साथी अच्छे से याद, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा ड्यूटी साइकिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में दिया गया, कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ वर्तमान प्रवाह पर क्या प्रभाव है, तो वर्तमान जो प्रवाह है उस पर क्या प्रभाव, इसके बारे में पूछेगा। ऑप्शन ए दिया गया अधिक करंट का विरोध करता है, ऑप्शन बी हमारा दिया अधिक वोल्टेज गिरावट, ऑप्शन सी हमारा दिया गया प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन डी दिया गया उच्च वर्तमान प्रवाह की अनुमति देता है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर डी करके आएगा, उनका राइट आंसर क्या होगा, उच्च वर्तमान प्रवाह की अनुमति देता, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में दिया गया है, TTL ICS को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक बिजली की आपूर्ति क्या है, तो कितनी आपूर्ति होना चाहिए, तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितनी होना चाहिए, प्लस 4.75 टू 5.25 वोल्टेज होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद कर लेना, कोई क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम से क्या होता है हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया डायग के माध्यम से करंट को तेज़ी से बढ़ाने के लिए कौन से वोल्टेज स्तर तक पहुँचा जाता है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया बिजली की खराबी, ऑप्शन बी हमारा जेनर वोल्टेज, ऑप्शन सी हमारा वोल्टेज में कटौती, ऑप्शन डी हमारा दिया गया वोल्टेज पर ब्रेक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वोल्टेज पर ब्रेक इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन में दिया गया बर्न रिले कॉन्टैक्ट्स का क्या कारण है, तो क्या कारण धीमी गति से जारी करने के दौरान, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा एक्सक्लूसिव कॉन्टैक्ट करेक्ट करंट इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर किस प्रकार के वोल्टेज रेगुलेटर IC 723 हैं, तो किस में है, तो ये पूछा गया। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए, तीन पिन नकारात्मक वोल्टेज रेगुलेटर होगा, ये भी नहीं होगा, तीन पिन पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ बहुपरत चर वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, तीन पिन समायोज्य वोल्टेज रेगुलेटर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में दिया किसी भी माध्यम में अनावेशित कणों की गति का क्या नाम है, तो वोल्टेज आवृत्ति या वर्तमान यानी करंट होता है या प्रतिरोध, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी करंट इसका करंट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में दिया एक जॉइंट टाका लगाने की तो कौन सा कदम महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में पूछा गया, तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन जोड़ को ठंडा करना, जॉइंट को चिपकाना, जॉइंट सफाई, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर क्या हुआ, जोड़ को गर्म करना, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन में दिया गया पॉइंटर को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में किस कंट्रोल का इस्तेमाल पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर रखने के लिए किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन आपके इसके चार ऑप्शन मिलेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा का स्प्रिंग कंट्रोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन में दिया गया है किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की चाल को कैसे कहा जाता है, तो कैसे कहेंगे, कॉन्टैक्ट्स, विद्युत प्रवाह या इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्या इलेक्ट्रिक करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में दिया गया BF 24/5B के लिए अधिकतम ड्रेन करंट ID क्या है, तो उसका जो राइट आंसर कितना करंट होगा, 25 mA इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन में दिया गया LM 324 IC पैक के अंदर कितने OP एम्पियर्स
फैब्रिकेटेड हैं। तो कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं 4 OP एम्पियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फिर से क्वेश्चन में दिया गया है, ट्राइक का उपयोग करके लैंप डिमर सर्किट में उच्च दबाव धाराओं के कारण लैंप विफलताओं को कैसे समाप्त किया जाता है। तो कैसे समाप्त करेंगे, तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया, नीचे दिए गए प्रतीक का नाम बताना। जैसे आपके सामने एक प्रतीक दिया गया है, इसका आपको नाम बताना, टनल डायोड है, वेक्टर डायोड है, या शॉर्ट की डायोड है, या जेनर डायोड। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या है, जेनर डायोड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह रहा। क्वेश्चन में दिया गया, रेडियो रिसीवर में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक घटक का उद्देश्य क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक घटक इसका उद्देश्य क्या, ऑडियो जो होता है एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन बी हमारा ऑटोमेटिक गन कंट्रोल, ऑप्शन सी हमारा ट्यूनिंग सर्किट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हुआ, ट्यूनिंग सर्किट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो हमारा कौन सा टॉपिक था, जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक के फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब। जय हिंद, जय भारत।